अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज जो सूट मैं आपको स्टिच किया हुआ दिखाऊंगी जी, वो भी ऑल ओवर प्रिंट सूट है जी। आप अगर भी आजकल अगर सिर्फ ट्रेंडिंग स्टाइल में लिखें ना, तो ट्रेंडिंग स्टाइल आप कहीं क्रोम पर जाके लिख लें, गूगल पर लिख लें, यूट्यूब पर लिख लें, सिर्फ आपको ऑल ओवर प्रिंट नज़र आएंगे और ऑल ओवर प्रिंट के ऊपर डिफरेंट तरह की डिज़ाइनिंग नज़र आएगी। लेकिन मैं जो डिज़ाइनिंग लेकर आऊँगी वो बिल्कुल हटके होगी, वो मेरा अपना जो होता है, मेरी समझ लें इजाद कह लें, अब मेरा खुद का डिज़ाइन होता है, मैंने वो कहीं से कॉपी नहीं किया होता है। तो वो जो खुद की डिज़ाइनिंग होती है, जो बंदा खुद से सोच के करता है, वो फिर सबसे हटके होती है, वो सबसे डिफरेंट होती है। आज इस सूट के ऊपर जो मैं डिज़ाइनिंग करूँगी वो भी बिल्कुल हटके। अच्छा जी, प्रिंट देख लें, मैंने पर्पल में लिया है प्रिंट, छोटा छोटा सा, इसमें छोटा बड़ा सारा डिफरेंट तरह का जो है वो डॉट्स भी नहीं है, थोड़ा कुछ डॉट्स हैं कुछ स्क्वायर हैं, और बड़ा खूबसूरत सा इसका वाइट वाइट सा दुपट्टा है, ऑल ओवर सूट के साथ ये वाला दुपट्टा है, और इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। तो चलें फिर देखते हैं मैंने इस सूट को कैसे स्टिच किया है। सारा ऑल ओवर सूट है, सिर्फ खोल के मैं इसलिए दिखा देना चाहती हूँ। अभी मैंने इसको श्रिंक कर लिया है, बिन सईद का ये भी सूट है, तो इसको मैंने श्रिंक कर लिया था। तो दिखाने का मकसद ये है कि बॉर्डर शॉर्डर इसके साथ कोई नहीं है, बिल्कुल सादा ही सूट है। तो इसको अब हमने जब स्टिच करना है तो ये कितना खूबसूरत बनेगा, तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है जी, मैंने कमीज़ का घेरा लेके ऊपर ये वाले निशान लगा लिए हैं, जो ऊपर से मेरा आर्म होल का निशान है, नीचे कमर का है, और तीसरे नंबर पे हिप्स का है। आपको निशान नहीं लगाने आते, आप इस तरह से अपनी को कमीज़ रखें, जहाँ पे आपका ऊपर से मोटा आ रहा है वहाँ पे आपने कंधे का निशान लगाना है, कमर का निशान लगाना है, हिप का निशान लगाना है, और इनको स्ट्रेट लाइन आपने लगा लेनी है। ये निशान आप लगा लेंगी तो आपसे ईजीली कटिंग हो जाएगी इसकी फ्रॉक की, ठीक है। अब दो ऑप्शन होते हैं इसमें, एक चीज़ ये होती है कि हम लोग 2 इंच का मार्जिन रखते हैं सिलाई का, लेकिन इसमें हमने रखना है 2.5, 2.5 इंच का रखना है, क्योंकि हमने जब कटिंग करनी है तो हमारी सिलाई भी लगनी है, तो उसको हमने पहले ही मार्जिन यहाँ पे छोड़ देना है। अब देखें ऊपर से निशान मैंने कमर के वहाँ पर, जहाँ पर हमारी सिलाई आ रही है, हमने वहाँ पहले सिलाई के निशान सारे लगा लेने हैं। अब घेरा जो है मैंने ए लाइन रखा है, घेरा मेरा तकरीबन जो है 17 इंच 34 इंच बनता है डबल खोल के, तो घेरा हमने खुला ही रखना है क्योंकि ये फ्रॉक स्टाइल है। यहाँ से थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ के, तो बस यहाँ से सिलाई पूरी हमने नीचे तक लेके आनी है। ये मैंने सिलाई का निशान पहले लगा लिया है, इसके बाद हम कटिंग का निशान लगाएंगे। कमीज़ आपने ऊपर रख के इस तरह से अपने निशानों को बिल्कुल उसी जगह पे एक्यूरेट जगह पे रख लेना है, ताकि आपके निशान बिल्कुल सही लग जाएं। अब 2.5 इंच के ऊपर 3 निशान हमने ज़रूरी लगाने होते हैं 2.5 इंच के ऊपर, नीचे से हमें कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा जितना घेरा खुला है हमने उतना ही रखना है। तो ऊपर से अपने चेस्ट का, कमर का और हिप तक का आपका निशान जो है वो 2.5 इंच का मार्जिन होना चाहिए, फिर आपकी कमीज़ आपको बिल्कुल भी मतलब टाइट नहीं होगी, फिक्स आएगी बिल्कुल। और घेरा जो है वो हमने इसी तरह से जितना घेरा है एंड पे लास्ट पे ला के इस तरह से हमने इसको फिनिश कर देना है। अब हमने इसका निशान लगाना है गुलाई का। गुलाई के निशान के लिए आपने 4 इंच का अपने निशान लाजमी लगाना है, हर साइज़ में तकरीबन जो मीडियम लार्ज में होते हैं इनको 4 इंच का निशान लगता है, क्योंकि हमने जो भी इसको नीचे तक शेप लेके जानी, ये सेंटर वाले पैनल का निशान होता है, तो इसको हमने कमर तक बिल्कुल सीधा रखना है। पहले मैं आपको थोड़ा सा रख के बता रही हूँ, ये देखें यहाँ तक तो हमने इसकी गुलाई लेके आनी है 10 इंच तक। पहले हम निशान जो है वो 10 इंच तक लगा लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ये है गुलाई का निशान, हमने कंधे से गुलाई 10 इंच तक लेके आनी है, 4 इंच की चौड़ाई तक, ठीक है। ये आप चीज़ अपने जहन में बिठा लें। अब मैं इसकी पहले कटिंग कर लेती हूँ, ताकि आपको इजीली गुलाई की समझ आ जाए, साइड से कपड़ा उतर जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी इसकी गुलाई कैसे करते हैं। बहुत आसान है, स्टिच करना भी बहुत आसान है और कटिंग करना भी बहुत आसान है। इसी तरह से आप फॉलो करेंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। ये ऊपर से हल्की सी कटिंग कर दी, अब ये आपके सामने आ गया। अब दो ऑप्शन होते हैं इस साइड पे, कि आपने ऊपर से ज़रा तिरछी तिरछी सी लेके आनी है, या आप गुलाई पूरी चाह रहे हैं, ठीक है। दो पसंद होती हैं सबकी, कोई जो है वो इतनी गुलाई पसंद नहीं करता, वो कहते हैं जी हम सीधी सीधी लाइन आए ऊपर से बस, और वो नीचे तक फ्रॉक जो है वो उनका इस तरह से बन जाए, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन जो होता है वो मैं एक इंच पे निशान लगाती हूँ, ये जो होता है ना नीचे हमने निशान कंधे का आर्म होल का लगाया हुआ है वहाँ से एक इंच का मैं निशान लगाती हूँ और मुझे यही पसंद है, आपकी अपनी च्वाइस है, मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं। ये देखें ये जो चीज़ है ये वाला, ये एक इंच का गैप है, मैं एक इंच से रख के इसकी गुलाई करती हूँ और यहाँ तक हमने पहले इसको लेके आना है, फिर कमर तक इसको बिल्कुल सीधा कर देना है। अब नीचे से मैंने इसको 9 इंच पे निशान लगाना है, जो हमारा ऊपर से 9 इंच पे आके कटिंग आएगा ऐसे तिरछा, ठीक है। ये आपने इस तरह से, आप चाहें तो दोनों निशानों को दोनों साइड से पकड़ लें तो वो तिरछा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर इस तरह से आपको स्केल से समझ नहीं आ रही है, नीचे वाले निशान को पकड़ें और ऊपर से निशान को पकड़ें और एक दफ़ा हाथ से निशान बिठा लें। ये देखें ये हो गई इस फ्रॉक की कटिंग। अब बिल्कुल इन्हीं निशान्स के ऊपर ऊपर मैं इनकी कटिंग कर दूंगी। आप चाहें पाइपिंग लगा लें, आप चाहे ज्वाइंट लेस लगा लें, आप चाहें इसको सादा स्टिच कर लें, किसी भी तरीके से कर लें, ये आसानी से जो है वो स्टिच हो जाता है क्योंकि हमने इतनी परफेक्ट कटिंग कर ली है कि कोई इशू नहीं आएगा। पहले ही 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ने का मतलब होता है कि 1/2 इंच हमने स्टिचिंग का छोड़ दिया है। ये देखें अब ऐसे ये कलियाँ यहाँ पर जुड़ जाएंगी और दोनों साइड्स पर हम लोग इस तरह से कुछ भी इसके ऊपर लगा के इसको फिनिशिंग दे सकते हैं। मतलब बाज़ लोगों को पसंद होता है अगर वैसे ही लगानी है तो आप इस तरह से इसको यूं हल्का हल्का पकड़ के गोल घुमाएं और नीचे तक इसकी सिलाई लगा दें। मैंने इस पे पाइपिंग लगा ली है, ये देखें सेंटर वाले पैनल पर मैंने पाइपिंग लगाई है और पाइपिंग का रुख जो है वो अंदर वाली साइड पर है और फिर इसको टर्न करूँगी और साइड वाली जो कलियाँ हैं उनके ऊपर रख के तो इस तरह से स्टिच कर दूँगी, ठीक है। ऊपर रख के हम सिलाई लगा देंगे तो ये हमारी कलियाँ जो हैं वो अटैच हो जाएंगी। तो इसकी मुकम्मल स्टिचिंग, इस पे जो एम्ब्रॉयडरी करवानी है उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ और मुझे इस वीडियो में इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।